दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से दूसरों का मनोबल गिराते हैं। सही मायने में अच्छे और सच्चे इंसान वो कहलाते हैं जो अपनी बातों से दूसरों को हिम्मत के साथ जीवन में आगे चलना सिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है। दोस्तों, आप सभी को विक्रम संवत 2078 की पूरे भारतवासियों को दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दोस्तों, भारत के अकॉर्डिंग आज से हमारा नव वर्ष शुरू होता है और इस नव वर्ष में आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं। उस कहानी को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया और जीवन में आगे अप्लाई करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव बदलाव आएगा। दोस्तों, ये कहानी एक भिखारी की है। एक भिखारी था, रेलवे स्टेशन में बैठ करके भीख मांगा करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ पे उसको एक व्यापारी आदमी दिखा जिसने पेंट कोट टाई लगाए हुए थे। वो ट्रेन के अंदर बैठा था और ट्रेन से सफ़र कर रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था। भिखारी के मन में आता है कि अगर मैं इस व्यक्ति से भीख मांगूंगा तो ये मुझे ज़्यादा भीख देगा, और खुश होकर के उसके पास जाता है, बोलता है कि मुझे भीख दीजिए। और व्यापारी का सामने से आंसर आता है। व्यापारी कहता है कि आज तक मैंने किसी भी इंसान को, अगर उसने मुझे कुछ नहीं दिया है तो उसको मैंने कुछ नहीं दिया है। मतलब मैं व्यापारी हूँ, जब मुझे कुछ मिलता है उसके बाद ही मैं कुछ देता हूँ। सॉरी, आपको भीख नहीं मिलेगी। अब जो भिखारी है उसके मन में नेगेटिव भाव आते हैं, उसको सबसे पहले मन ही मन गालियाँ देता है और उसके बारे में परमानेंट सोचता रहता है। और दोबारा उसके पास वापस जाता है, कहता है कि सेठ साहब, बात ऐसी है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो कम से कम व्यापारी है, आप तो मुझे कुछ ना कुछ दीजिए, कुछ ना कुछ तो आप दे ही सकते हैं। तो सेठ कहता कि नहीं, मेरा रूल ऐसा है, जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता है मैं कुछ नहीं देता हूँ। अब भिखारी सोचता है, दोबारा से भिखारी बोलता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भीख मांग करके सुबह भीख मांगता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ, मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। उसने कहा तो मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। अब भिखारी वापिस चला जाता है और परमानेंट उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार मैं क्या दे सकता हूँ उसको, और वो कितना बेवकूफ़ इंसान है जो भिखारी से उल्टा मांग रहा है कुछ। पूरी रात दोस्तों उसके माइंड में वही चलता है, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, परंतु सबकॉन्शियस माइंड में उसकी री इम्प्रिंटिंग हो जाती है और माइंड में थॉट चला रहता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। दोस्तों, पूरी रात बीत जाती है, भिखारी के मन में वही विचार चल रहा होता है और दूसरे दिन अपने ठिकाने से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। और चलते चलते उसको रास्ते में एक फूल का जंगल में झाड़ियों के बीच में गुच्छा दिखाई देता है। जैसे उसको फूल का गुच्छा दिखाई देता है, भिखारी के मन में व्यापारी की बात याद आती है कि क्यों ना मैं आज इन फूलों को लेकर के जाऊं, जो भी मुझे भीख देगा, भीख के बदले में मैं उसको फूल दे दूंगा। उस दिन वो बहुत सारे फूल लेकर के जाता है, जो भी रेलवे स्टेशन पे उसको भीख देता है, भीख के बदले में उसको वो फूल देते हैं। पहला दिन बीत जाता है, दूसरे दिन दोबारा से फूल ले जाता है, तीसरे दिन दोबारा से, 5-6 महीने बीतते हैं और वो फेमस हो जाता है, फूल वाला भिखारी, फूल वाला भिखारी, फूल वाला भिखारी। और एक साल हो जाती है दोस्तों, एक साल के बाद दोबारा से वो व्यापारी सामान लाने के लिए उसी ट्रेन से जा रहा होता है, पैंट कोट टाई पहनी होती है, और भिखारी की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और दौड़ करके उस व्यापारी के पास जाता है, कहता है कि सेठ जी, आपने कहा था कि जब तक आपको कुछ नहीं मिलता आप भीख नहीं देते हैं, तो आज ये फूल ले लीजिए। फूल निकालता है, वो फूल देता है और इसके बदले में मुझे आप भीख दे दीजिए। अब सेठ क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुश होने के बाद 20 रुपया निकालता है जेब से और उसको खुशी खुशी दे देता है, और देते समय लास्ट में कहता है, अरे यार तू तो भिखारी से व्यापारी बन गया। अब दोस्तों हुआ क्या, भीख लेने के बाद भिखारी के माइंड में दोबारा से वही थॉट चला कि उसने मुझे व्यापारी कैसे कहा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगता हूँ, मैं भिखारी से व्यापारी कैसे बन गया। तो पूरी रात वही सोचता रहा कि मैं व्यापारी कैसे बन गया, व्यापारी कैसे बन गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड में दोबारा से री इम्प्रिंटिंग हो गई। जैसे री इम्प्रिंटिंग हो गई तो सुबह उठ करके उसके माइंड में थॉट आया, क्यों ना मैं फूलों को बेचना शुरू कर दूँ। उसने थोड़ा थोड़ा करके फूल बेचना स्टार्ट कर दिए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, और 2 साल के बाद उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो अपनी खुद की एक दुकान खोल देते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों 1 साल में उसका बिजनेस इतना ज़्यादा फ्लोरिश हो जाता है, चारों तरफ बहुत सारी दुकानें खोल देते हैं। 3 साल के बाद एक दिन वो सेम सेठ दोबारा से उसी स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में सामान लाने जा रहा होता है और वो भिखारी भी उसके साथ खड़ा होता है पैंट कोट टाई में। अब भिखारी उस सेठ की तरफ देखता है, कहता है कि सेठ साहब पहचाना। सेठ उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि कौन है तू, बोलता है कि सच में नहीं आपने पहचाना, बोलता है कौन तू। और भिखारी सेठ के पांव स्पर्श करता है, कहता है कि आपने मुझे 2 सीख दी थी, मैं वही भिखारी हूँ जो ट्रेन में आपसे भीख मांगने आता था। पहली बार आपने कहा था कि जब तक आपको कुछ नहीं मिलता तब तक मैं किसी को कुछ नहीं देता,
तो उससे मेरे माइंड में एक विचार आया कि मुझे कुछ देना चाहिए भीख मांगने के बदले में दूसरे को। तो मैंने फूल देने शुरू किए। जब मैंने आपको फूल दिया तो आपने कहा तू तो व्यापारी बन गया। तो उस दिन मैंने पूरी रात सोचा कि मैं व्यापारी कैसे बन सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने फूल बेचने शुरू किए। अब मैं इस एरिया का सबसे बड़ा फूल वाला व्यक्ति हूँ और सभी लोग मुझे फूल वाले के नाम से जानते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा शॉप्स है और मैं करोड़पति बन चुका हूँ और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो व्यापारी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से आपको दोस्तों क्या समझ आती है? सिंपल सी बात है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। कोई भी विचार किसी का आपका जीवन बदल सकता है अगर आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी होगी तो। अगर हमारा लर्निंग एटीट्यूड होगा, आप सीखने की क्षमता से कहीं पे बैठते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है। और दोस्तों एक और सीख सबकॉन्शियस स्तर पे इस कहानी से मिलती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है। उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी। वो कभी भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिव निकाल सकते हैं अपने कैरियर को लेकर के। एक और बात इस कहानी से सीखने को मिलती है, वो ये है कि अगर एक भिखारी व्यापारी बन सकते हैं अपनी सोच से, हिम्मत के साथ, मेहनत करके, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज नववर्ष है हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग, आपको इस नववर्ष में एक सीख लेनी है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, जो कोई भी है, तो आप एक सीख ले सकते हैं कि अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक कैसे पहुँचाना है और अपने स्टडी के स्टेमिने को कैसे बढ़ाना है और ज़िंदगी में तरक्की कैसे करनी है। और दोस्तों मेरी तरफ से अगर इस कहानी की एक सीख है तो वो ये है, बाकी आपकी अपनी लाइफ है, लाइफ इज योर, यू कैन मेक इट, यू कैन ब्रेक इट, डिसीजन इज योर हैंड, आप कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मेरे अकॉर्डिंग जिंदगी में अगर भगवान ने आपको दो पांव दो हाथ दिए हैं तो आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस बात को सुनना है, क्योंकि वो भिखारी था, उसने भी क्या ध्यान से उसको सुना था व्यापारी को, तब जा करके उसका जीवन बदला था। तो सबसे पहले तो हमें भी कोई भी बात हमें बताई जा रही है किसी के माध्यम से, उस बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हमारे गोल की तरफ, टारगेट की तरफ जा रही है, जो हमारा पर्पज़ है, तो उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दोस्तों हाथ पाँव होने के बावजूद भी अगर हम ये काम कर रहे हैं, सिर्फ भीख मांग रहे हैं और दूसरों को उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम लोग इस धरती के लिए भार बने हुए हैं, थोड़ा बोझ बने हुए हैं। तो इस चीज़ से हमें ऊपर उठना है। आज के दिन हमें एक कमिटमेंट लेनी है कि आज से मुझे अपने कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देना है। किसी से फ्री में कुछ नहीं लेना है, अगर कोई कुछ दे रहा है तो बदले में उसको कुछ देना है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई कहानी बनाने के लिए, नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नया सीखने के लिए आते रहिए राम प्रकाश सर यूट्यूब चैनल में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।